तो जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी भी चीज में, किसी भी रोल के लिए, तो आप मानिए किस्मत भी आपका साथ जरूर देगी। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत सारी चीजें जो आपको बताऊंगा, जो 2026 में आप जरूर ट्राई कीजिए और अपने आप को बेटर वर्जन बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे 8 साल से ज्यादा हो गए हैं काम करते हुए आईटी में, और मैंने एज अ फुल स्टैक स्टार्ट किया, बैकएंड भी रहा हूँ, और अभी 3.5 साल से एज अ फ्रंटएंड डेवलपर काम कर रहा हूँ एडिडास के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा हाइप है, बहुत सारी बातें हैं कि भाई अब तो ऐसा है कि आप चैट जीपीटी पे जाओ, सिंपल प्रॉम्प्टिंग करो कि मुझे एक ई-कॉमर्स साइट दे दो। बहुत सारे अदर टूल्स हैं जो आपको पूरा फ्रंटएंड बना के दे सकते हैं। आप फिग्मा डिजाइन दो, पूरा आपको डिजाइन या पूरा कॉम्पोनेंट बना के दे देगा। तो क्या फिर फ्रंटएंड डेवलपर्स 2026 में रहेंगे? तो आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड स्पेशली अगर आप फ्रंटएंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कंपनी में काम होता है वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, अपना आगे बढ़ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। अगर आप आज भी लिंक्डइन पे जाएंगे और जॉब सेक्शन में जाएंगे ना, आपको फ्रंटएंड के अराउंड बहुत सारे ओपन रोल्स मिलेंगे। बट वो राइट स्किल अगर आपके रिज्यूमे में है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ कंपनी के लिए, कैसे आप जाए और फटाफट से जो कोड बेस आपको मिलता है फटाफट कंफर्टेबल हो जाए, वो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कंफर्ट देने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना, ईयरफोन लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप 2026 में स्पेशली अगर आप वेब के अराउंड है और आप फ्रंट एंड रोल को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप फ्रेशर है आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, अगर आप एक्सपीरियंस है जरूर जरूर देखना चाहिए। एंड यस, मैं आपको सैलरी रेंज भी बताऊंगा अभी क्या चल रही है फ्रंट एंड के अंदर, क्या सैलरी रेंज है और कैसे आप अपने आप को एक बेटर प्लेस पे ले जा सकते हो, वो आपको पूरा इस वीडियो में आइडिया हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दो, सबसे पहला चेकबॉक्स टिक कर देते हैं, कमेंट कर देना आप क्या सोचते हो इस वीडियो को देखने के बाद, एंड शेयर जरूर करना वीडियो को, नए हो तो सब्सक्राइब करना अलॉन्ग विद बेल आइकन, ठीक है। बाकी लाइक एम इज आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात होती है, अब फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है, जो फ्रंट एंड जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, वो फ्रंट एंड डेवलपर बनाता है, जहां पे HTML, CSS, JavaScript या कोई फ्रेमवर्क या रिएक्ट जैसी लाइब्रेरी यूज करके एप्लीकेशन डेवलप करता है। अब नो डाउट जो दिखता है वो बिकता है। अब क्या हो गया है कि आज से जैसे एक हाइप चली थी 2021 में कि गिटहब कोपाइलट आ गया है, अब तो फ्रंट एंड डेवलपर रिप्लेस हो जाएंगे, नॉट ओनली फ्रंट एंड, सारे डेवलपर्स रिप्लेस हो जाएंगे, सारा कोड हमें गिटहब कोपाइलट दे देगा। फिर 22 आ गया, फिर चैट जीपीटी के मॉडल्स आने शुरू हुए, बहुत सारे और LLM मॉडल्स आने शुरू हुए कि भाई अब ये टूल आ गए हैं, सारा काम तो ये टूल कर देते हैं। अब 26 आ गया है, मैं 5 साल से ये देख रहा हूँ कि डेवलपर्स रिप्लेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप बताओ, हो रहे सी थोड़ा सा ये मैं शिफ्ट देख रहा हूँ 2026 में कि जो मेंटेलिटी है ना, पहले क्या था कि बंदा लाओ उसको ट्रेनिंग दो फिर प्रोजेक्ट में डाल दो, अब क्या है कि बंदा ऑलरेडी सीख के आ रहा हो, उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, उसको समझ हो। जैसे मैं वेब के अराउंड अगर बात करूं, मैं स्पेशली रिएक्ट के अराउंड बात करूं, तो रिएक्ट है क्या, फाउंडेशन क्या है रिएक्ट का, वर्चुअल डोम क्या होता है, इंटरनल वर्किंग्स क्या है, रेंडरिंग क्या है, कैसे हम अनवांटेड री रेंडरिंग को अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ है कमिट फेज क्या होता है, पेंटिंग फेज क्या होता है, तो वो जो डिटेलिंग है, वो जो इनडेप्थ समझ है, अगर आपको वो है तो आपके लिए डोर्स आज भी ओपन है। क्योंकि देखिए एक बात आप मानेंगे मेरी बात से, एग्री करेंगे, आप जो भी प्रॉम्प्टिंग करते हैं चैट जीपीटी में, आपको कोड मिल जाता है, वो चल जाता है, हम खुश हो जाते हैं, बिल्कुल खुश होना चाहिए। एक डेवलपर के लिए सबसे अच्छी खुशी क्या है, उसका कोड चले और सही चले, और सबसे दुखी चीज क्या है कि कोई टेस्टर उसका कोड फाड़ दे। अब वो कोड तो मिल गया है, चल भी गया है, बट इंटरव्यू देने के लिए आपके मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत जरूरी है। आप कैसे एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो आप जितना अच्छा कर पाएंगे, जितना अच्छा एफिशिएंट लॉजिक दे पाएंगे, उतने आप बेहतर होंगे। तो ये नॉट स्पेसिफिक फ्रंट एंड, आप किसी भी रोल के लिए आप जाएंगे ये मैंडेटरी आस्क है। अगर आप स्विच करना चाहते हैं, आप एक सेम कंपनी में बैठे तो अलग बात है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, आप कंपनी में चलेंगे फिर आपको जो यूज करना है आप करो, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरे तरीके से डिपेंडेंट मत रहो AI टूल पे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में जंग लग जाएगा। तो आइडियाज लीजिए, क्योंकि सब कुछ AI नहीं कर सकता, बहुत सारे एज केसेस होते हैं, बहुत सारी बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है जो आपको कंपनी से मिलती है, वो आप अपनी समझ से, ठीक है, चैट जीपीटी से कुछ चीजें ले लेते हो, फिर आप कोड लिखते हो, उसको और बेटर बनाते हो, तो वो तो वहां पे बंदे चाहिए ही चाहिए। तो फ्रंट एंड रोल कहीं नहीं जा रहे हैं, अगर आप राइट तरीके से, जो मैं चीजें पूरी बताने वाला हूं, अगर आप ये सब चीजें कर लेते हैं ना बहुत अच्छे से, और आपके लिए लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सीधा लास्ट में मत चले जाना, पहले बातें मेरी सुन लो ध्यान से। अगर आप रिएक्ट में अपने आप को स्टार्ट कर रहे हैं,
तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्चुअल डोम हो गया, कैसे रिकंसिलेशन काम करता है, अब जैसे कैसे प्रॉप्स काम करते हैं रिएक्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, अब रिएक्ट 19 में बहुत सारे नए हुक्स आए हैं, कितना डीएसए आना चाहिए। अब देखो एक चीज समझने की और कोशिश करते हैं, मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगा ऑनेस्टी के साथ जो मैं फील करता हूं, या जब मैं इंटरव्यू लेता हूं, या मैं कभी इंटरव्यू देता हूं, जो आजकल मार्केट में चल रहा है। सबको पता है एआई है आजकल, आप सब कुछ एआई से करवा सकते हो, लिखवा सकते हो, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ओनली थिंग आप क्या अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो। अगर आप हो, चाहे हजारों टूल आ जाए भाई, आप एग्जिस्ट करोगे। और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को तो मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे जैसे आप काम करते हो अपने आप को बेटर कर सकते हो। सो गेटिंग स्टार्टेड विद रिएक्ट, ये पूरा रोड मैप आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, codecompile.ai, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो जितनी मैं आपको बातें बता रहा हूँ। बट ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं, हम सब नहीं है, तो इसमें आपको अपस्किल करना पड़ेगा। तो गेटिंग स्टार्टेड विद रिएक्ट आपको कैसे npm काम करते हैं, npx हो गया, nvm हो गया, props हो गया, prop drilling क्या है, rendering क्या होती है, class components क्या है, functional components कैसे काम करते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब एक हमेशा मैं कहता हूँ कि रिएक्ट हटाओ, एंग्लोर हटाओ, एट द एंड में क्या हूँ, एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर। सो जो हमारे मेन फाउंडेशन है, जैसे इवेंट लूप हो गया, एरो फंक्शन हो गया, क्लोजर हो गया, ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शनल चेनिंग, अरे मेथड्स, मैप, फिल्टर, ज्वाइन, फाइंड, स्लाइस हो गया, स्लाइस हो गया, अप्लाई, बाइंड हो गया, ये पूरी चीजें मतलब बहुत सिंपल तरीके से मैंने ऑलरेडी कवर करी है वैसे, और ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे हमारी। ये सारा आपको अगर अच्छे से आता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ, खाली हवा हवा में नहीं, रिएक्ट बेसिक हो गया बहुत जरूरी है। रिएक्ट बेसिक के अंदर कैसे मैं एक सिंपल एप्लीकेशन बना सकता हूँ, जहाँ पे मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कैसे कॉम्पोनेंट्स को बनाया जाता है, कैसे प्रॉप्स को यूज किया जाता है, कैसे यूज स्टेट हुक काम करता है, क्यों फंक्शनल कॉम्पोनेंट इतने पॉपुलर है। तो अगर आपको इनकी समझ है और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, और उसके साथ एक प्रोजेक्ट जहाँ आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कैसे चीजें कंपनी में डेवलप की जाती हैं, क्योंकि आपको पूरा वेबसाइट नहीं बनाना है कंपनी के लिए, आपको एक फीचर पे काम करना है, तो जो फीचर आपको बनाना है क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए उसको बनाने के लिए, वो माइंडसेट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी कवर किया है। तो लास्ट में वो आपके लिए है, सबके लिए सरप्राइज है, बहुत बड़ा न्यू ईयर स्पेशल सरप्राइज है मेरी तरफ से। तो प्रोजेक्ट के साथ साथ फंक्शनैलिटी को समझना, उसके हिसाब से कोड करना। अब जैसे फंक्शनैलिटी, स्टेट मैनेजमेंट कैसे काम करता है रिएक्ट के अंदर, अगर आपको वो फंडा समझ आ गया ना, तो आप लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, आप इन डेप्थ समझ पाओगे। आजकल क्या है कि रटने वाला सिस्टम नहीं है, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, इंटरव्यू आपको कुछ मिनट्स में ही पकड़ लेगा अगर आप थोड़ा सा फेक करने की कोशिश करते हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका एक्सपीरियंस नहीं है पुराना, थोड़ा गैप भी है, पर अगर आप कॉन्फिडेंटली ये चीजें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ ट्राई करते हैं और फिर आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं, आप मानिए थोड़ा समय लगता है, मैं इस बात को मानता हूं, बट आप मार्केट से आउट नहीं होंगे अगर आप लगे रहेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, कोशिश करते रहेंगे तो किस्मत भी साथ देगी। रिएक्ट राउटिंग, एपीआई इंटीग्रेशन, एरर हैंडलिंग, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बैक एंड वाला बंदा उसको एपीआई देगा वो कैसे फ्रंट एंड पे उसको दिखा रहा है, कैसे ऑप्टिमाइज वे में दिखा रहा है, वहां पे सॉर्टिंग है, बहुत सारे फीचर्स आते हैं, पेजिनेशन है, सर्च बार है, भाई अगर वो होगा नहीं, अगर वो चीजें चलो ठीक है एआई से मैं करवा लूंगा, करवा भी ली, बट मेरी समझ कहां लगाना है, कैसे लगाना है, इतना ह्यूज कोड बेस होता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो डिबगिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो कहीं नहीं जा रहे, वो आज भी एग्जिस्ट करेंगे। सो रिएक्ट डिजाइन पैटर्न्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं, आपका प्रेजेंटेशनल डिजाइन पैटर्न हो गया, कस्टम हुक बहुत ज्यादा बनाते हैं हम, एंड रिएक्ट हुक्स, यूज रेफ, यूज रिड्यूसर, यूज मैमो, यूज कॉल बैक, यूज आईडी, यूज ट्रांजिशन, ये सारे हुक्स अगर आपके टिप्स में हैं, मैं आपको ये सारे रिसोर्सेज बताऊंगा अभी, और आप इन्हें अगर अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप मेरे से भी करना चाहते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ पूरा प्रोसेस क्या है, एंड रिएक्ट 19 के जो नए फीचर्स हैं, क्योंकि देखिए अगर किसी चीज में अपडेट्स आ रहे हैं किसी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में, तो उसका मतलब वो कहीं नहीं जा रहा है, उसकी डिमांड और बढ़ रही है। रिएक्ट क्वेरी हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई जो भी आपका डेटा आ रहा है एपीआई से, उसे आप कैसे वेल ऑप्टिमाइज कर सकते हो, रिएक्ट क्वेरी बहुत डिमांड है। अब जैसे मैं कंपनी में काम करता हूँ, मैंने कंपोनेंट बना लिया, मेरा कोड लाइव नहीं होगा ना, मेरा कोड आगे जाएगा जब तक उसके टेस्ट केस सही नहीं लिखे होंगे। तो जस्ट लाइब्रेरी हो गया, उसके बाद CI/CD हो गया, वेब पैक हो गया, टाइप स्क्रिप्ट हो गया, रिडक्स हो गया, मैं तभी तो कह रहा हूँ जितना मेरे एक्सपीरियंस रहा है, जहां जहां मैंने ठोकरें खाई है कि ये चीज मिस है, ये नहीं है, मैंने सब कुछ एक जगह डाल दिया। इतना अगर आप कर लेते हो, आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, आप कभी मार नहीं खाओगे। और मार क्यों नहीं खाओगे, क्योंकि इंटरव्यू में जो जो पूछा जाता है, फिर चाहे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन से हो, रिलेटेड क्वेश्चंस हो, या HTML CSS बेस एक्सरसाइज हो, मैंने एटलासियन में इंटरव्यू दिया, मैंने अगोडा में इंटरव्यूज दिए हैं, उस सारे क्वेश्चंस मैंने लीड कोड के इजी मीडियम वो भी डाल रखे हैं इस पूरे रोड मैप के अंदर। ये पूरा रोड मैप आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो, एंड 50+ आउटपुट क्वेश्चंस, ये 50 आउटपुट क्वेश्चंस वो आउटपुट क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो विद गुड सॉर्ट ऑफ समझ, आप कहीं रिजेक्ट नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें मैंने कवर करी, एंड यस AI इंटीग्रेशन, कैसे आप ChatGPT
सिक्योरिटी की एपीआई को यूज कर सकते हो, कैसे आप जैसे एजेंट्स होते हैं उनका वर्कफ्लो बना सकते हो, तो डिटेल में बात करी है। मैं कैसे चैट जीपीटी यूज करता हूँ, एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है जो जल्दी शॉर्टलिस्ट हो, वो सब चीजें मैंने ये सारे अपने एक्सपीरियंस से कवर करी। अगर आप 2026 में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो फ्रंट एंड में, रिएक्ट में, इवन आप हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे ना, वहाँ लर्नर फीडबैक है, उसमें जरूर जाइएगा और हर एक चीज को अच्छे से पढ़िएगा, लोगों ने जो फीडबैक दिए हैं, कईयों की जॉब भी लगी है, कई लोग अभी कर रहे हैं। ये पूरा कंप्लीट रिएक्ट कोर्स है जो मैंने पूरा डिजाइन किया आप लोगों के लिए। हालांकि कुछ लोगों को लगेगा यार ये तो प्रमोशनल चीजें लेके आ गया बंदा, बट इट इज ऑल अबाउट अगर आप एक्चुअल में अपस्किल करना चाहते हो तो ये न्यू ईयर स्पेशल आप लोगों के लिए है। और अगर आप रिएक्ट में अपने आप को अच्छा करना चाहते हो, इन डेप्थ रिएक्ट को समझना चाहते हो, आप इंटरव्यू की अभी तैयारी कर रहे हो, तो ये पूरा बेसिकली इंटरव्यू रेडी कोर्स है जो मैंने पूरा डिजाइन किया है। बनाते बनाते 37 घंटे का कोर्स बन गया, 37-38 आवर्स का कोर्स है ये, और 240 लेक्चर्स हैं जिसमें असाइनमेंट्स हैं, पूरा जितना मेरे को आता है सब मैंने इसमें डाल दिया है। इसके ऊपर और कुछ नहीं है। फ्लैट 20%, कोई मैंने 10% नहीं रखा, 5% नहीं रखा, फ्लैट 20% है। आप जाओ चेकआउट करो, पूरा पहले स्टडी करो, इतना आपके लिए रिलेवेंट है। फोर्सफुली किसी को हम कुछ नहीं चिपकाते हैं, कोई आपको डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग कोर्स हो सकता है अगर आप 2026 में फ्रंट एंड में, रिएक्ट में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ये आपके लिए बेस्ट कोर्स होगा। बट मुझे आपके चाहिए 37 घंटे और 240 लेक्चर्स हैं। आप सेल्फ पेस है, कोई रिकॉर्डिंग है सारी, कोई लाइव चीज नहीं है इसमें। आपको अपने पेस पे पढ़ना है और अपने आपको बेटर करना है। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने खुद अपने हाथ से लिख के, कोड लिख के बताया है, हर एक चीज को इन डेप्थ कवर किया है। तो ये पूरा रोड मैप आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट पे एक डेमो लेक्चर भी है हमारा, वो भी आप देख सकते हो, आप क्वालिटी कॉन्टेंट भी चेक कर सकते हो। बट जो कूपन कोड है वो है न्यू ईयर, वो आपको अप्लाई करना है और आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। बट मैं आपको इतना कह रहा हूँ, जितना मैंने ये दिया है ना, ये रिलेवेंट है। इसमें इंटरव्यू मॉड्यूल, मैंने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं, मशीन कोडिंग क्वेश्चंस, मैंने सिस्टम डिजाइन भी कवर किया, पूरा आपको अमेज़न प्राइम का सिस्टम डिजाइन बना के दिखाया है। तो इतना डिटेलिंग में बताया है कि आपका जो कॉन्फिडेंस अगर यहाँ है तो यहाँ चला जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और जब आपका जॉब निकलेगा तो आप मुझे लिंक्डइन पे टैग करेंगे। इतना अगर कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ तो मैंने कुछ सोच समझ के चीजें बनाई हैं। तो ये पूरा रिएक्ट का रोड मैप है। रिएक्ट इज नॉट ओनली रिएक्ट, रिडक्स, टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट क्वेरी, वेब पैक, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हो तो ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं, एज अ इंटरनल सब मॉड्यूल कॉम्पोनेंट्स आप कह लो, ये सब चीजें आप यूज करते हो। तो इनकी समझ अच्छे से होना बहुत बहुत जरूरी है। और साथ साथ इंटरव्यू के क्वेश्चंस, वो सब मैंने इसमें बताए हैं, और डीबगिंग करना वो सब बताया है। आप जाइए साइट पे, चेकआउट कर लीजिए, और अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई रश नहीं है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, एंड आई वुड से यू शुड डेफिनेटली चेकआउट अगर आप अपने आप को 2026 में अपस्किल करना चाहते हो, रिएक्ट में मास्टर करना चाहते हो। कमिंग बैक टू द सैलरी पार्ट, देखिए जो एवरेज सैलरी रहती है रिएक्ट के अंदर स्पेशली, बहुत ही अगर बेसिक लेवल पे बात करूं, जो कि है 6 लाख से लेके 10 लाख, जो एक एवरेज बता रहा हूं, बाकी इट कैन गो अप टू 50-60 लाख आल्सो, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। जैसे मेरे एक्सपीरियंस में, जैसे मैं 8 साल 8.5 साल का एक्सपीरियंस है, 65 तक भी रेंज है। चलिए बाकी तो यार आपके स्विचिंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आप प्रोडक्ट में जा रहे हो, सर्विस में जा रहे हो, बट एवरेज अगर मैं वैसे एवरेज कैलकुलेट की पैकेज की बात करूं तो 20-25 की रेंज आपको आराम से रिएक्ट नहीं मिल सकती है। ये हवा में तीर नहीं चला रहा, हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, 2026 आपके लिए जबरदस्त जाए। एंड अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट पिन भी कर रखा है, आप जाइए चेकआउट कीजिए। और जो कूपन कोड है बहुत सिंपल है, न्यू ईयर, उसे आप डालिए और आप फ्लैट 20% ऑफ लीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और बस ऑनेस्ट रहिएगा तभी बात बनेगी, वरना ये सब खराब है। ठीक है, चलो बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच, बाय बाय।